नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में, यानी कि VFD के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे VFD क्या है, VFD क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, VFD कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, VFD का बेनिफिट क्या है, VFD की सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, इसके ऊपर वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, VFD का पूरा नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको अलग अलग नाम में बोला जाता है, जैसे कि BBB, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AFD एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ASD एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, AC ड्राइव और ड्राइव भी बोला जाता है। दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल है, VFD क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो AC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। AC इंडक्शन मोटर और AC स्क्वायर गेज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर AC इंडक्शन मोटर हम इंडस्ट्री में देखे होंगे, AC इंडक्शन मोटर में ड्राइव लगा हुआ होता है। दोस्तों, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? VFD ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मशीनों में, मैनुअल मशीन, CNC मशीन के स्पिंडल में, कन्वेयर में, पंपिंग सिस्टम में और मेट्रो लिफ्ट्स एस्केलेटर में VFD हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, VFD क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि आपको पता है, मोटर को रन करने के लिए हम ड्यूल स्टार्टर का, स्टार्टर और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब जो स्टार्टर है उससे क्या होता है ना, स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम कन्वर्टर का स्पीड कम ज़्यादा करना है तो वहाँ पर क्या है ना, ड्यूल स्टार्टर, स्टार्टर से हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम VFD का इस्तेमाल करते हैं। हम जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस टाइम में हम स्पीड को VFD से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इजी वे होता है, इससे हम फ्रीक्वेंसी की मदद से मोटर का स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारा बेनिफिट क्या मिलता है VFD यूज़ करने में। पहले बेनिफिट मिलता है, जब भी ड्यूल स्टार्टर स्टार्टर में मोटर को रन करते हैं तो स्टार्टिंग करंट होता है वो नॉर्मल करंट से 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट लेता है। लेकिन VFD यूज़ करने में जो स्टार्टिंग करंट होता है वो लिमिट रहता है। दूसरे कारण है, स्टार्टिंग जो स्पीड होता है उसको स्मूथ रन करता है। जैसे कि ड्यूल स्टार्टर में हम रन करते हैं, ड्यूल स्टार्टर में जो मोटर स्टार्ट करते हैं कुछ ही सेकंड में मोटर की जो फुल स्पीड अचीव कर लेता है, इसकी वजह से जर्क पड़ता है मोटर को, इसका नॉइज प्रोड्यूस होता है। लेकिन VFD से क्या होता है, मोटर स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, घूमता है, जो रोटेट करता है वो धीरे धीरे घूमता है, तो स्मूथ रनिंग के लिए हम VFD यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, पावर फैक्टर मेंटेन करता है VFD, एनर्जी कंजम्पशन कम करता है, मोटर को स्मूथ स्टॉप भी करता है VFD। VFD लगाने में सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है? VFD AC मोटर को बहुत सारा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन। जैसे हम VFD जो पैरामीटर होता है उसमें हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम 6 एम्पियर सेट कर रखे हैं किसी मोटर का करंट, मैक्सिमम करंट है जो 6 एम्पियर है, 6.5 एम्पियर जाता ही हमारा VFD हमारा ट्रिप हो जाएगा, मोटर रन नहीं होगा। इसमें पैरामीटर सेट कर सकते हैं, सिंगल फेज की भी प्रोटेक्शन दे रखा है, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है और अर्थ वोल्टेज का भी प्रोटेक्शन है। ये सारे प्रोटेक्शन VFD हम प्रोवाइड करता है, इसके मदद से हम मोटर को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आपको इस वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।